एक जगह मैंने प्रार्थना शुरू की, हम सब कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे भाई इंडिया से बाहर, हर दो घंटे बाद हम प्रार्थना करते हैं, जैसे लोग करते हैं वैसे नहीं, ये खास प्रेयर होती, हर दो घंटे बाद हम प्रेयर करते हैं, आधा घंटा, आधा घंटा वर्शिप करते हैं हम, और पूरी वर्शिप, ये नहीं वर्शिप के दौरान तबले वाला इधर देख रहा है, वो ढोलकी वाला इधर देख रहा है, राम न लग गए टिचक टिचक, नो 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 नो, हर बंदा इन्वॉल्व वर्शिप, अग्नल पर्या होया, कोई माइक नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ मुंह नल, सुनो, आधा घंटा वर्शिप करने दौरान, फिर दो घंटे रेस्ट, ढाई घंटे बीत गए, दो घंटे बाद फिर आधा घंटा प्रेयर, सोना नहीं आप, हां सोना तो उन्हें दो घंटे जो सोना आप, और विजन आंदे सके, दर्शन आंदे सके, प्रभु का आत्मा गल करता सेगा, और जो 24 घंटे हो जाते सी, क्योंकि 24 घंटे में आप सोए नहीं हो, आपने आधा घंटा वर्शिप की, उसके बाद किसी कोई बाइबल पढ़ने लग गया, कोई सो गया दो घंटे, फिर अगर आप दो घंटे सो गए, आपको फिर उठाया, क्योंकि आपको हर दो घंटे बाद जाना है प्रभु के सामने। 24 घंटे बाद जब हम निकलते थे उस रूम से बाहर, हमें फील होता था कि पाप खत्म है, और पावर और अनॉइंटिंग और सामर्थ्य, और मेरे को नहीं लगता हमने कभी आपने ये प्रेयर ऐसी एक्सपीरियंस की है। आने वाले दिनों में अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप के लिए मैं सोच रहा हूं कि आपको बुलाऊं और वही प्रेयर करवाऊं जो मैं करता रहा हूं। दूसरे लोगों में बता रहा हूं जैसे हम प्रेयर करते थे, किस तरह से आप, किस तरह से आप मेडिटेट, दो दो घंटे कोई सो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, और दो घंटे में सोना जरूरी होता था कई लोगों को, हम बोलते थे लोगों को सो जाओ, दो घंटे सोना जरूरी है, जैसे ही वो सोते हो दो घंटे सिर्फ सोने के लिए, और दो घंटे बाद आपने फिर उठने, आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी बॉडी टूट रही है, और आपको समझ आ रही है, अच्छा इसे बोलते हैं सोल्जर ट्रेनिंग। जब आप दो घंटे मनन कर रहे हो, किसी को होली स्पिरिट टच कर रहा है, किसी के दर्शन में परमेश्वर आ रहा है, किसी को एंजल छू रहे हैं, किसी को परमेश्वर रेवलेशन दे रहा है, और दो घंटे बाद फिर प्रेयर आधा घंटा, फिर कोई सो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, और सारी रात और 24 घंटे ये चलता जाता है, हर 9 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, फिर 9, फिर 12, फिर 3, फिर सुबह 6 बजे हम आमीन करते थे, और जब 6 बजे सुबह आमीन होती थी, पर आज के किसी डिसाइपल को बोलो प्रेयर करनी, मजाल है, अगर 6 बजे बुलाओ तो वो 6 बजे आ जाए, वो सवा 6 आएगा, वो अगर 5 बुलाओ तो सवा 5 आएगा, उन्हें पूछो तेन सवा 6, 6 बुलाइए तो सवा 6 आया, तेरे 5 बुलाए तो सवा 5 आया। इसीलिए आज के डिसाइपल कमजोर हैं और पावरलेस हैं। आपको ट्रेन करना है बॉडी को, आपको समझाना है, टाइम पे शुरू, टाइम पे खत्म। और जब लोग उठाते थे हमने एक दूसरे को, खासकर रात की 3 बजे और सुबह 6 बजे वाली प्रेयर, और रात को 12, सुबह 3 तड़के और सुबह 6, जब इस प्रेयर में वो उठाते थे एक दूसरे को, दिल करता था वो सो जाओ यार, छड्डो प्रेयर, पर सारे होते थे एक दूसरे की, एक दूसरे को देख देख के वो इज्जत के मारे उठना पड़ता था। अकेले हो तो बंदा कहे यार बहुत हो गई यार, 18 घंटे हो गए प्रेयर करते, सो जाओ उन 6 घंटे।